नमस्कार। रविवार 24 नवंबर 2019 का दैनिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां सामने लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां उपस्थित हैं। रविवार के दिन अगले पूरे सप्ताह की प्लानिंग किस तरह से की जाए, इस दिन हम किस तरह से अपने परिवार को समय दे सकते हैं, या फिर जो भी कामकाज अधूरे रखे हुए हैं उनको किस तरह से परिपूरित करने की ओर जाया जा सकता है, इन सारी ही संभावनाओं के ऊपर हम चर्चा यहां पर करते चले जाएंगे। चित्रा नक्षत्र की परिधियां हैं, तो वहीं चंद्रमा पूरे दिन शुक्र प्रदान तुला राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में ही 7 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में गतिशील हैं इस समय अंतराल के साथ में। सर्वप्रथम शुरुआत मेष राशि के साथ, चंद्रमा की स्थितियां सप्तमस्थ बनी हुई है, तो आप यहां देखें कि आज के दिन व्यापारिक स्तर के ऊपर लाभ आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से निकल कर आते हुए देखे जा सकते हैं। जो बिजनेस पोजीशंस रहती है उसके अंदर गुणात्मक वृद्धि होने की संभावनाएं आपके लिए रहेंगी ही रहेंगी। तो वहीं आत्मविश्वास के साथ में जिस भी कामकाज की ओर आप चले गए व्यापारिक स्तर के ऊपर, वहां सफलता की उम्मीद पूर्ण रूप से की जा सकती है और वहीं पर आप खुद को प्रगाढ़ भी महसूस करेंगे ही करेंगे। वहीं व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है जो व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ा हुआ है या किसी व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है, उसको आपको जांचना है, परखना है और उसके बाद जोखिम भरा डिसीजन लेना है, ये दिन उस हिसाब से बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है। धोखेबाजी की संभावनाएं इस दिवस में नहीं दिखाई देती हैं आपके लिए, ये तो एक बात रही। तो वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर सामंजस्य आपके लिए बना रहेगा, कोई कमी पेशी नहीं देखी जा रही है। ससुराल पक्ष के द्वारा थोड़ी बहुत चिंताएं आपके समक्ष आ सकती है या उस क्षेत्र विशेष से थोड़ी सी टेंशन आपके लिए बनी रहेंगी, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के साथ में पुराना कोई भी रोग सताने का काम कर सकता है या फिर खान पान में जहां पर भी नियंत्रण बिगड़ा, आपने वात संबंधी रोगों को निमंत्रण देने का काम किया, वहां से थोड़ा सा आप खुद को बचाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति और चंद्रमा का जो भी 3-11 का संबंध बना हुआ है, भाग्य की स्थितियां बेहतर तरीके से यहां पर आपके लिए देखी जा सकती है। प्रथम स्तर पर बात यह रही, नौकरी पेशा जीवन से जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, ये दिन आपके लिए तन्मयता के साथ में परिवार के साथ में बिताने वाला समय सामने लेकर आएगा। तो वहीं पे कोई भी फाइनेंशियल कैलकुलेशन को आप और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड देना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग आज ही करना चाहते हैं, आप जाने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। मित्रों के साथ जो भी पुराने संबंध बिगड़े हुए थे, वहां पर भी सुधार की आशा और अपेक्षा पूर्ण रूपेण की जा सकती है। लिक्विडिटी का फ्लो बेहतर तरीके से बना रहेगा, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां उस स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। ऋण अगर किसी भी व्यक्ति को देना है तो आज आप मदद के लिए जा सकते हैं, किंतु अपनी लिमिटेशंस को बहुत बेहतर तरीके से ध्यान में रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा आप। वृषभ राशि की अगर मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम अज्ञात भय सताने का काम आज भी कर सकते हैं, हल्के फुल्के स्तर पर जो मेंटल टेंशन होती है वो उसी वजह से निकल कर आएगी। अष्टम के साथ में बृहस्पति का संबंध, तो षष्ठ के साथ में चंद्रमा का संबंध, अननोन फियर्स कई बार सताने का काम करते हैं या फिर आपका अन्य शहरों के साथ में कामकाज जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। किसी के ऊपर भी अति विश्वास करके नहीं चलना चाहिए, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास आप करके चलते हैं तो बेहतरी आपके लिए बनी रहेगी। एक महत्वपूर्ण स्थिति तो ये, तो वहीं दूसरे लेवल पर अगर मैं बात करूं तो आप ये पाएंगे कि जो शत्रुवत स्थितियां बनी हुई थी, शत्रु साइडलाइन होते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान वो नहीं करने वाले हैं आपको। 2-12 का जो सूर्य और चंद्रमा का संबंध बना हुआ है वो आपके लिए नेत्र संबंधी स्थितियों में कुछ नेगेटिविटी लेकर आ सकता है। अगर कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी देखी जाती है या फिर कोई भी नेत्र रोग या विकार सामने आता हुआ देखा जाए, प्रॉपर बेसिस पे आप इस सप्ताह की स्थितियों की शुरुआत के साथ में ही डायग्नोस करवा के इलाज करने की तरफ जरूर बढ़ें। संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी वहां पर एक रिलीफ देखा जाएगा। पिता के साथ में कोई भी व्यापार आप आगे बढ़ा रहे हैं तो खुद की रायशुमारी को थोड़ा सा कमतर करके चलिएगा, हर एक स्तर पर उसको सामने रखने का प्रयास मत कीजिएगा, तो आपके लिए यहां पर बेहतरी बनी रहेगी। ये बात बहुत अच्छे से आपको नोट करके चलनी चाहिए। तो वहीं पे हिडन प्रॉब्लम्स जो कि बार बार सामने आ रही थी, आज भी उससे पीछा छूटने वाला नहीं है,
थोड़ा सा वहां पर भी आपको कैलकुलेटिव रहकर चलने की संभावनाएं और पोजिशंस को देखना रहेगा ही रहेगा। मिथुन राशि की चर्चा करूं तो यहां शिक्षा संबंधी स्थितियों में कुछ नयापन आपके लिए रहेगा, तीव्रता देखी जा सकती है। जीवन की यूनिवर्सिटी के अंदर भी कई सबक जो मिलते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही कई लेसन्स आपको मिलेंगे जो पॉजिटिविटी के साथ में व्यापारिक स्तर को, नौकरी पेशा स्तर को और जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये दिन उस लिहाजा महत्वपूर्ण है। व्यापार में लाभ देखा जा सकता है तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ की पोजिशन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहां पर पोजिशन बनी रहेगी और वहीं पर आप अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में किसी बिजनेस पार्टनरशिप को शुरू करना चाहते हैं, किसी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आसानी से जाने का कार्य कर सकते हैं। जिन संघर्षों के साथ में आपको थकावट महसूस हो रही थी क्योंकि कामकाज में वहां से सफलता नहीं निकल कर आ रही थी, संघर्ष करते हुए व्यक्ति उसी समय थकान अनुभव करता है जब वहां से कोई सफलता की पोजिशन मिलती हुई नहीं देखी जाती है, तो आज एक इग्निशन का फेज आपके समक्ष यहां पर रहेगा ही रहेगा। वहीं पे एजुकेशन के कन्वेंशनल लेवल के साथ में अगर मैं बात करूं, यह दिवस विशेष आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। पिता के साथ किसी भी कार्य व्यवसाय को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो एक पॉजिटिविटी वहां पर बेहद बढ़िया तरीके से बनी रहेगी और आपकी बात को सुनने की स्थितियां भी पूर्ण रूपेण वहां पर उजागर होती हुई देखी जा सकती है। भाग्य की सपोर्टिव अप्रोच आपके समक्ष पूर्ण रूप से निकल कर आएगी तो वहीं पे जिस भी कामकाज में आपने नएपन के साथ में शुरुआत करने का ठान लिया वहीं लॉन्गर टर्म मीडियम पोजीशंस के साथ में और इंस्टेंट बेसिस के ऊपर डिसीजंस और पोजीशन फेवर देती हुई दिखाई देगी। सब कुछ लाभ की कैलकुलेशन की जब भी बात करते हैं तो फाइनेंस के साथ में जुड़ चुका है, वहां बेहतर तरीके से लाभ रहेगा। गृहस्थ जीवन में कोई भी परेशानी आ रही थी आज उसका सॉल्यूशन आपके लिए देखा जा सकता है तो वहीं पे किसी भी ऑपोजिट जेंडर के साथ में आप रिलेशन के साथ में चल रहे थे और उस रिलेशन को कोई नाम देना चाहते हैं, घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए संबल देने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में आप सेटल हो चुके और अब अपनी पर्सनल लाइफ को एक तरह से नयापन देना चाहते हैं, नई शुरुआत और जीवन के मंगलाचरण की तरफ जाना चाहते हैं, इस दिवस में आप घर परिवार के समक्ष बढ़ने का कार्य कर सकते हैं आसानी के साथ में। कर्क राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का आप ध्यान रखकर चलिएगा, कफ संबंधी रोग सताने का काम नहीं करें। मौसम संबंधी पोजिशंस के साथ में ये कई बार एक तरह से अपनी डेफिशिएंसी को लेकर आते हैं तो सर्वप्रथम वहां से ध्यान रखकर चलें। किसी भी कामकाज की शुरुआत करने के हिसाब से मैं इस दिन को आपके लिए इतना बेहतर नहीं मान रहा हूं तो वहीं पे इमोशनल होकर किसी भी निर्णय को लेने से बचिएगा। घर परिवार में आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि कोई निर्णय आपको लेना है, पूरे तरीके से पोजीशंस आपके ऊपर छोड़ दी गई है, अब आप एक जिम्मेदारी के साथ में चल रहे हैं और वहीं पर सोल बेसिस पे निर्णय लेने में जज्बात को अगर आप बीच में लेकर आ जाते हैं तो डिसीजन में वहीं क्लैरिटी की कमी आ जाती है। जब भी आंख में आंसू होते हैं तो व्यक्ति सामने के विजन को क्लियर नहीं देख पाता, वहां पर एक धुंधलका रहता है तो वही जज्बात की स्थितियां हैं, व्यक्ति तटस्थ नहीं रह पाता, व्यक्ति क्लियर रहकर नहीं सोच पाता तो वहां क्लैरिटी की जरूरत आपको पूर्ण रूपेण रहेगी ही रहेगी। विजुअलाइज करके चलें, उसके दूरगामी परिणाम देखें। कई बार फ्रस्ट्रेशन के अंदर जब व्यक्ति जॉब छोड़ने के बारे में सोचता है, बिजनेस चेंज करने के बारे में सोचता है तो वो आज के हालात की वजह से परेशान होकर वो निर्णय ले रहा है, उसको ये देखना चाहिए कि पिछले सालों में इस व्यापार ने कहां पहुंचाने का काम किया और इसमें अगर कुछ मैं एड ऑन कर दूं, कुछ चेंजेस कर दूं तो हो सकता है 5 से 6 महीनों के अंदर ये स्थिति सुधरने की ओर भी चली जाए, तो ये जरूर आपको ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। कोई भी सर्विस इंडस्ट्री के कामकाज के साथ में या बिजनेस के अंदर भी जहां सर्विस देने की पोजीशंस जुड़ी होती है, ऐसे कोई भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, ये दिन बेहद सकारात्मक तौर के ऊपर निर्णय आपके लिए पॉजिटिव लेकर आता हुआ दिखाई देगा ही देगा। थोड़ा सा आपको टाइम के डिसिप्लिन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट यहां पर रहेगी, ये जरूर स्मृतियों में रखकर चलते चले जाइएगा। आप
सिंह राशि की यहां मैं अगर चर्चा करूं तो पराक्रम की स्थितियां बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। जिस भी कामकाज की ओर आपने बढ़ना शुरू किया वहां पर जोश रहेगा। दिन के शुरुआती स्तर के साथ में ही एक नव ऊर्जा मन के भीतर रहेगी। व्यापार में अभी तक आपको कुछ स्थितियां कसमसाहट के साथ रख रही थी, परेशान कर रही थी, उसके सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे थे। आज उन सॉल्यूशंस की तरफ आप बेहद आसानी से बढ़ने वाले रहेंगे। प्रथम स्थिति तो ये, तो वहीं पर भाग्य का सपोर्ट भी मिलता हुआ देखा जा सकता है। कई बार व्यक्ति किसी काम की तरफ जाता है, लोग कहते हैं कि इस तरफ मत जाओ, यहां पर कुछ भी विशेष हासिल नहीं होने वाला है। वहां एक बार खुद से पूछ लीजिए आप कि मुझे कई बार और रोका गया, मुझे कई बार और टोका गया, किंतु जब मैं आगे बढ़ा तो वहां पर सफलता मेरा इंतजार कर रही थी। आज भी वही हो रहा है, मैं उससे दूर हटूं, मेरे लिए ये दिन सकारात्मक है। मैं अपनी ऊर्जा के साथ में जा रहा हूं, जो निर्णय मैंने इतने वर्षों से सोच समझ कर लिया है आज मैं उसको इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूशन के लेवल की तरफ लेकर जा रहा हूं, तो किसी और के नहीं सुनूंगा। मैंने जो मेहनत की है उसके परिणाम का यह दिन मुकर्रर है। जरूर आप जाएं, उस रफ्तार के साथ में परिणाम आपके समक्ष बेहतर तरीके से आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति का 3-11 का संबंध, हृदय स्थान और पराक्रम स्थान के साथ में सूर्य और चंद्रमा का संबंध, ये दोनों ही पोजिशन एक लेवल के ऊपर आपके समक्ष पॉजिटिविटी लेकर आती हुई देखी जा सकती है। शिक्षा और पराक्रम का, बृहस्पति चंद्रमा की पोजिशंस का जब जुड़ाव हो तो व्यक्ति निर्णय के अंदर ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस को सबकॉन्शियस में पहले ही कैलकुलेट कर चुका होता है, तो वहां बेहतरी बनी रहेगी। प्रबंधन संबंधी स्थितियों में मैं कोई भी नकारात्मकता आपके लिए नहीं देख रहा। मैनेजमेंट के किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं और उसमें आपकी जॉब जुड़ी हुई है, संडे को हो सकता है कि मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़े, किंतु ये एक्स्ट्रा आपके लिए प्रीशियस पोजिशंस और एक तरह से सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर फाइनेंशियल रॉबस्ट अप्रोच को लेकर आता हुआ समय भी बनाएगी ही बनाएगी। ये बहुत अच्छे से आप विचार कर चलने का कार्य करते चले जाइएगा। ये तो एक स्थिति है भाइयों के साथ में, जहां पर भी संबंधों में एक दुराव आ रखा था, कम्युनिकेशन गैप था, वहां फिर से प्रगाढ़ता स्थापित रहेगी। किसी भी नए वाहन को आप खरीदना चाहते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल को आप खरीदना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के साथ में आपका जुड़ाव है, निर्णय लेने में कहीं भी हिचकिचाने की आवश्यकताएं आपको नहीं है, अपनी रफ्तार के साथ में बढ़ने का काम आप करते चले जाइए। कन्या राशि की मैं अगर चर्चा करूं यहां पे, तो सर्वप्रथम कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव, जिन्होंने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, जिन्होंने अपने वेंचर को एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, उन सारे ही व्यक्ति विशेष के लिए ये दिवस बहुत बेहतर कहा जा सकता है, बेहद शानदार कहा जा सकता है। जो भी निर्णय आपने लिया वहां पर आप तीव्रगामी साबित होंगे। आपने किसी व्यक्ति विशेष के लिए मध्यस्थ का काम किया था, किसी को कोई रुपए पैसे की रिक्वायरमेंट थी और आप एक तरह से जुबान देने वाले थे और कोई व्यक्ति एक तरह से आपके कहने पर वो रुपया पैसा देने वाला था, ऐसी किसी भी अप्रोच के अंदर आप थे, आप ये मानिएगा कि जो आपके ऊपर बर्डन आ रखा था और बेफिजूल की जो परेशानी आपके साथ में चल रही थी, आज वो दूर होने का कार्य कर सकती है। बस थोड़े से प्रयास आपको करने रहेंगे वहां पर। तो वहीं फाइनेंशियल लेवल के ऊपर व्यापारिक जनों के लिए ये दिन बेहतर से बेहतर सुगम परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। आप अपने लेवल के साथ में और खुद की पोजिशंस को और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये जरूर याद रखकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। गृहस्थ जीवन के अंदर सुखपूर्ण पोजिशंस पूर्ण रूपेण बनी हुई है, तो वहीं पे कई बार छोटी छोटी बातों की वजह से जो क्लैशेस आते हैं उनको वहीं पर खत्म करने की आवश्यकता होती है। तिल का अगर ताड़ बनता है तो वहीं से परेशानियां निकल कर आनी शुरू होती है। छोटी बातें हैं जिनको इग्नोर करना भी आवश्यक है। आज बस यही एक आपके लिए नेगेटिविटी बनी हुई है कि इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इस बात को जब हम एक तरह से नोटिफाई करके चलते हैं अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर कि हम ऐसी कोई भी स्थिति आएगी उसको दूर हटाएंगे, अपने ईगो के ऊपर हर चीज़ नहीं लेंगे, तो देखिएगा आप रिजल्ट उसी स्तर के ऊपर आते चले जाएंगे आपके लिए। भाग्य का सपोर्ट एक अलग बात है, किंतु कर्म प्रधानक स्थितियां एक अलग बात है। व्यापारी जनों के लिए वो पोजीशन निकल कर आ रही है और नौकरी पेशा लोगों ने जो रिश्ते डेवलप किए थे, आज कहीं रिक्वायरमेंट होती है और आपके साथ काम कर रहा व्यक्ति किसी पोजीशन पर पहुंच चुका है, आपको कॉल वहां से आ सकता है और जिंदगी नएपन के साथ में बढ़ती हुई देखी जाएगी ही जाएगी आसानी के साथ में। तो बढ़ते चले जाएं आप रफ्तार के साथ में, दिन सूटेबल है।
तुला राशि की अगर चर्चा करूं तो स्वराशि स्थान में चंद्रमा है, तो इस वजह से सर्वप्रथम जो पोजीशन सामने आती है आपके लिए बिजनेस की पोजीशंस में, कोई भी सौदेबाजी करनी है, कोई भी नई परचेजिंग की तरफ आपको जाना है, या फिर एक तरह से कहीं व्यवहार बिगड़ा हुआ था टेबल टॉक की तरफ जाना है जिससे हम घबरा रहे थे, बृहस्पति की पोजीशन पराक्रम और भाग्य के साथ में अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रही है, शनिदेव साथ में है, केतु भी साथ में है, बृहस्पति केतु का ध्वज योग बना हुआ है, तो वहीं पर सूर्यदेव द्वितीय भाव में आपकी जुबान को और ज्यादा कैंडिड अप्रोच देकर विराजमान है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, बढ़ने का कार्य कर सकते हैं, किसी जमीन के सौदे की तरफ आप जाना चाहते हैं, मन में पशुपेश थी कि आगे क्या पोजीशन आएगी, आगे हम किस क्लैरिटी की तरफ जा पाएंगे, संघर्ष तो नहीं आने वाले हैं, ढैया का अंतराल आगे आ रहा है, तो हमारे लिए क्या पोजीशन रहेगी, आपके लिए ये दिन निर्णय लेने के हिसाब से सार्थक बना हुआ है। गृहस्थ का भी सपोर्ट बेहतर तरीके से आपके समक्ष रहेगा, तो अगर संतान भी उस दौर की तरफ पहुंच चुकी है जहां पर आपको फाइनेंशियली एक तरह से स्ट्रांग होल्ड देने का काम वो भी करें, तो उस स्तर के ऊपर भी ये दिन बेहतर परिणाम लेकर आता हुआ देखा जा सकता है, तो जरूर आप बढ़ते चले जाएं। कम्युनिकेशन में एक वरदान वाली स्थितियां रहेंगी, जो भी आपने डिलीवर किया वो व्यक्ति को कन्विंस करने की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा। विदेश संबंधी कामकाज के साथ में और विदेश संबंधी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी ये दिन सकारात्मक कहा जा सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और वो भी एग्रीकल्चर संबंधी, भले फ्रूट हो या वेजिटेबल पोजीशन हो या फिर कोई और एग्रीकल्चर संबंधी पोजीशन हो, इन सारे ही क्षेत्र विशेष के अंदर आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान की डिलीवरिंग पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं, भले ही ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर गुड्स इटसेल्फ हो, उन सारे ही पोजीशन में एक बेहतरी आपके लिए बनी रहती हुई देखी जा सकती है। वृश्चिक राशि की अगर यहां चर्चा करूं तो सर्वप्रथम अज्ञात भय को आप अपने जीवन में स्थान मत दीजिएगा। खर्चे होंगे किंतु खर्चे इन्वेस्टमेंट की शक्ल लेकर सामने आएंगे। मंगल प्रदान राशि के महानुभाव आज आपा खोने की ओर नहीं जाएं, और आपा खोने के बाद में जो निराशा आती है कई बार वो इंस्टेंट बेसिस पे व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है, उससे थोड़ा सा बचिएगा। कुटुंबीजनों का आज सपोर्ट है, जिस भी बातचीत को किसी व्यक्ति विशेष के समक्ष रखना है अपने कुटुंबीजनों का, अपने मित्रों का सहयोग आप जरूर लीजिए। एकात्मक सोच के साथ में चलना यहां पर खुद के लिए थोड़ी सी परेशानियों का सबब बनाने वाला स्तर बनाता हुआ देखा जा सकता है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास आप करें। तो वहीं पर एक और महत्वपूर्ण स्थिति, ऋण देने और लेने से आपको बचना चाहिए, यह भी जरूर ध्यान रखिएगा। शत्रु जो परेशान कर रहे थे आज बिल्कुल भी उस स्तर के ऊपर परेशान नहीं करने वाले हैं। बृहस्पति ने सिक्स्थ हाउस को अपनी पोजीशंस के साथ में कंट्रोल करके रखा हुआ है। हिडन प्रॉब्लम्स पे भी वही पोजीशन है, जो कर्म के अंदर आलस्य की प्रवृत्तियां पनप सकती थी वहां पर भी देवगुरु का कंट्रोल है। जमीन संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण सौदे की तरफ आप जाना चाहते हैं, उसकी अपने सबकॉन्शियस के अंदर प्लानिंग कर लीजिए, अवचेतन के अंदर उसकी गणनाएं कर लीजिए, लंबे समय तक उसके इंपैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पोजीशंस में देख लीजिए, फिर बढ़ने का प्रयास करिए। देखिएगा ये दिन आपके लिए सार्थक पोजीशन सामने लेकर आता हुआ दिखाई देगा ही देगा। तो वहीं पे स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो भी एक तरह से ब्रीदिंग संबंधी पोजीशंस के साथ में जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती है स्वास्थ्य में, उनका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। गृहस्थ में थोड़े बहुत दुराव आ सकते हैं, किंतु आगे जाकर वो प्रगाढ़ता को बढ़ाने वाले दिखाई देंगे ही देंगे। धनु राशि की मैं अगर चर्चा करूं तो एकादश स्थान के साथ में चंद्रमा का सर्वप्रथम जुड़ाव है, तो उस स्तर के ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए आकस्मिक धन लाभ व्यापार में देखा जा सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर देखा जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में किसी सौदे को करने की तरफ जा रहे हैं, ये गफलत बिल्कुल मत पालिएगा कि मेरे लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बनी हुई है, कतई नहीं, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप चलने का कार्य कर रहे हैं आसानी के साथ। तो वहीं पे नौकरी पेशा स्तर के ऊपर अनौपचारिक तौर के ऊपर कुछ प्रॉफिटेबल पोजीशंस निकल कर आती हुई आसानी से देखी जा सकती है। एक बात तो ये, दूसरे स्तर के ऊपर संतान से सुख के अंदर जो चिंताएं बनी हुई थी संतान पक्ष की ओर से, उनकी नौकरी या फिर उनके एक तरह से शिक्षा या फिर उनके वैवाहिक जीवन की तरफ नहीं बढ़ पाना आपके लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ था, आज वहां पर सॉल्यूशन मिलते हुए भी देखे जा सकते हैं आपके लिए।
बृहस्पति की जो पोजीशन बनी हुई है, शनिदेव की जो पोजीशन बनी हुई है, अगर आप मैनेजमेंट के अपर क्लस्टर की तरफ चलते हैं, अगर आप हायर मैनेजमेंट साइड के अंदर हैं, जहां महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, भावुकता के साथ में चलने का काम बिल्कुल मत करिएगा। द्विसभावी राशि के आप जातक हैं तो निर्णय में कई बार उहापोह आती है। धनु राशि के महानुभाव वैसे भी अभी साढ़े साथी के मध्य अंतराल के साथ में है, कंफ्यूज करने वाली पोजीशन के साथ में संघर्ष बने हुए हैं, तो वहीं पर कोई ऐसी उहापोह या फिर निर्णय और निर्णय की पोजीशन निकल कर आती है। थोड़ा सा खुद को एक तटस्थ पोजीशन के अंदर रखें, समझाएं और उसके बाद बढ़ने का प्रयास करें तो बेहतरी आपके लिए बनी रहेगी। ये जरूर याद रखकर चलने का प्रयास करें आप। एक बात तो ये नोटिफाई करके चलें, तो दूसरे स्तर के ऊपर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं यहां पर कि गृहस्थ को अपने कामकाज में अगर आप इंडल्ज करते हैं तो उनके द्वारा दी गई सलाह बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चमक दमक के किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, शुक्र प्रदान कोई भी काम हो, भले ही रेस्टोरेंट हो, टेक्सटाइल हो, कपड़ा संबंधी कोई भी और कार्य क्षेत्र हो, या फिर सौंदर्य प्रसाधन की स्थितियां, कला के क्षेत्र के भीतर जाता हुआ व्यक्ति, वो सारे ही क्षेत्र विशेष आपके लिए नए आयाम जो है स्थापित करके छोड़ते हुए देखे जाएंगे ही जाएंगे। ये स्मृतियों में अक्षुण रख के आप चलने का प्रयास करेंगे तो बेहतरी बनी रहेगी। मकर राशि, आजीविका के जो साधन अभी तक विकसित नहीं हो पा रहे थे, जो कल भाग्य की स्थितियां सपोर्टिव बनी हुई थी और वहां से कुछ इंडिकेशंस आ रहे थे, आज इस रविवार के दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक पोजीशंस सामने बनकर आती हुई देखी जा सकती है, तो वहीं पे मानसिक सुख के अंदर जो कमी बनी हुई थी, जो चिंताएं बार बार भविष्य को लेकर सता रही थी, जॉब के अंदर हम चल रहे थे और लग रहा था कि आगे आने वाला दिन कौन सा समाचार लेकर आएगा, कोई रिलीफ मिलती हुई देखी ही नहीं जा रही है, ये दिन आपके लिए रिलीफ लेकर आएगा। ये दिन आपके लिए कुछ ऐसे समाचार लेकर आ सकता है जहां पर मन में एक उजास स्थापित हो, जहां पर मन से जो एक तरह से नकारात्मकता का कोहरा है वो हटे और हम स्पष्ट तौर के ऊपर अपने जीवन के भावी मार्ग को देख भी पाएं और प्रशस्त भी कर पाएं, ये पोजीशन बनी हुई है। खर्चों के ऊपर जो नियंत्रण अभी तक नहीं लग पा रहा था, शनि प्रदान राशि के महानुभावों के लिए वहां एक्सपेंसेस के ऊपर भी नियंत्रण रहेगा, तो वहीं अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे थे, घर परिवार के सपोर्ट की, पिताजी के सपोर्ट की दरकार थी, आवश्यकता थी, अभी तक वहां से हामी नहीं मिल पा रही थी, एक बार फिर से प्रयास आपको उस और लेकर जाने का काम करेगा ही करेगा। ये जरूर आपको याद रखकर आगे बढ़ने की ओर जाना चाहिए। तो एक तो बात ये रही, वहीं पे पिता के साथ में कोई भी कामकाज आप कर रहे हैं और खुद के लिए भी कुछ नयापन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप सलाह मशवरा करके आप जा सकते हैं। वर्किंग एक्सपर्टीज की पोजीशन बेहद शानदार तरीके से बनती हुई देखी जा सकती है। कला के क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभाव ये दिन खुद के लिए एक लेवल की पॉजिटिविटी लेकर आता हुआ देख पाएंगे ही पाएंगे, तो इसमें कोई भी दोराय नहीं है आपके लिए। माता के साथ में जुड़ाव तो वहीं पे पिता के साथ में भी कर्म संबंधी स्थितियां प्रधानक तौर के ऊपर निकल कर आती हुई देखी जा सकती हैं। कुंभ राशि, भाग्य का सपोर्ट है, पराक्रम की स्थितियां बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। लाभ के साथ में बृहस्पति का संबंध, तो वहीं पे नवम के साथ में चंद्रमा का संबंध, दशम स्थान के साथ में आत्मा कारक ग्रह सूर्य देव विराजमान है, तो इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मैं ये आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में कह सकता हूं कि जो भी निर्णय आप उच्च शिक्षा के हिसाब से लेंगे, जो भी डिसीजन आप अपनी जॉब में चेंजेस के लिहाजा लेंगे, बिजनेस में कुछ भी नयापन लेकर आते हैं, या फिर कोई भी स्टॉन लेवल के ऊपर आपको डिसीजन लेना है, जहां कुछ लोगों को कोई नए डिपार्टमेंट की तरफ रखना है या कुछ लोगों को अभी कुछ समय के लिए साइडलाइन करने की आवश्यकता है, आपकी प्रवृत्ति वो नहीं है, किंतु ऐसा निर्णय लेने के लिए शनिदेव की मूल त्रिकोणस्थ राशि के महानुभावों को जाना भी पड़ रहा है, तो दो राय मत रखिएगा, क्लैरिटी के साथ में जाने का प्रयास कीजिएगा। आपकी ऊर्जा बनी हुई है, आपने जहां पर भी अपना स्टैंड ले लिया उसमें कहीं भी इफ एंड बट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, स्पष्टता की रिक्वायरमेंट है, और वो आज आपके साथ में बेहतर तरीके से बनती हुई देखी जा सकती है। कम्युनिकेशन आज आपके लिए एक अस्त्र बनकर सामने आएगा, भाइयों का और मित्रों का सपोर्ट आपका हौसला बढ़ाने वाला होगा,
तो वहीं पे आज संध्या समय अंतराल अपने घर परिवार के साथ में भी बहुत अच्छे से बिताने का काम करें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, बार बार मन मुटाव सामने आ रहा था, लग रहा था कि अब इस रिश्ते को कोई ना कोई मोड़ देना आवश्यक है, एक बोझिल स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस निर्णय की तरफ भी आपको जरूर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन के साथ में बढ़ने का प्रयास आप जरूर करते चले जाएं। मीन राशि, चंद्रमा का जुड़ाव अष्टम के साथ में, किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये ध्यान रखें, रिसर्च संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिन बहुत ज्यादा बेहतर कहा जा सकता है, किंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी सडन अप्रोच के अंदर पुरानी बीमारी फिर से परेशान करने का कार्य कर सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकताएं पूर्ण रूपेण रहेंगी, किंतु जो धनागमन की स्थितियां हैं, बृहस्पति के सेकंड हाउस की पोजीशंस पर एक तरह से दृष्टि निक्षेपण की वजह से वो बनी रहेगी आपके लिए। स्टमक संबंधी पोजीशंस भी थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, किंतु व्यापार के ऊपर कोई भी प्लानिंग करनी है और अपने आइडिया के ऊपर वर्क करना है। देखिए, अष्टम के चंद्रमा व्यक्ति को लोगों से काटकर खुद के साथ में जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि हर एक के साथ में कनेक्शन को एक तरफ करते हैं और व्यक्ति खुद के साथ में जुड़ पाता है, वो पोजीशन आपके लिए यहां बेहतर तरीके से बनती हुई देखी जा सकती है और आप अपने लेवल को भी अचीव करते हुए दिखाई देंगे ही देंगे। अपनी कला को मांझने की ओर जाना चाहते हैं, अपनी कला में कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, तो आप उस ओर जाने का प्रयास आसानी से कर सकते हैं, ये जरूर आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। तो ये था 24 नवंबर 2019 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।